उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से डायनामाइट न्यूज पर इस समय एक बड़ी खबर है। यहां तीन बच्चों की मां हाथ में सिंदूर लिए और गाजे बाजे के साथ अपने प्रेमी के घर जा पहुंची। प्रेमी का घर और आसपास का क्षेत्र ढोल नगाड़ों की थाप से गूंज उठा, लेकिन उसका प्रेमी मौके से फरार हो गया। यह मामला रायपुर क्षेत्र के खलियारी बाजार का है। प्रेम के नाम पर कथित तौर पर छली गई ये महिला पहले से ही शादीशुदा है। दुल्हन बनकर प्रेमी के घर गाजे बाजे के साथ पहुंची इन तीन बच्चों की मां का कहना है कि आरोपी संदीप ने उसके साथ संबंध बनाए और वीडियो उसके पति को भेजने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। कि हमको 9 साल से संदीप रखे हैं, हमसे विंध्याचल में शादी भी किए हैं और शादी के झांसा दे करके पहले वीडियो SMS बना लिए हैं। अब वीडियो बना करके बोले हैं कि तुम्हारे पति को भेजेंगे, तुम्हारे भाई को भेजेंगे अगर मेरे साथ तुम सोई नहीं तो। करते 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 हम दबाव में उनके साथ ऐसा काम किया। महिला का आरोप है कि वह मामले में इंसाफ की गुहार के लिए SP समेत पुलिस के चक्कर लगाती रही, लेकिन जब न्याय नहीं मिला तो उसने ये कदम उठाया। कोई सुनवाई हमारा कहीं नहीं हो रहा है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है कि हमको अन्याय दिया जाए। हम चाहते हैं संदीप जैसे हमारा घर परिवार बसा बसाल तोड़े हैं, वैसे हमारे साथ घर बसाएं, हमसे शादी करें। प्रेमिका के पहुंचने पर और ढोल नगाड़ों की थाप गूंजने पर आरोपी संदीप के घर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला को समझाने लगी, लेकिन वह नहीं मानी। महिला को तब बड़ा झटका लगा जब उसे पता चला कि उसका प्रेमी संदीप घर से फरार हो चुका है। सभी ग्रामीण अब ये जानने को उत्सुक है कि शादीशुदा और तीन बच्चों की मां का बाहरी प्रेम अब क्या रंग लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, सोनभद्र।